हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग जो है बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आप लोगों में से बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि रेगुलर वीडियोस अपडेट करें, तो डेफिनेटली अब जो है आप लोगों को रेगुलर वीडियोस मंडे, वेनसडे एंड सैटरडे को इस चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। सो आज का जो ये वीडियो है, इसमें बेसिकली मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिफरेंस बिटवीन लैंडिंग पेज एंड वेबसाइट। लैंडिंग पेज में क्या बेनिफिट्स होते हैं जो आपको वेबसाइट पे नहीं मिल पाते हैं, और क्यों लैंडिंग पेज की रिक्वायरमेंट होती है, और अगले वीडियो के अंदर ये लैंडिंग पेज जो है आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं खुद, ये मैं आप लोगों को पूरा प्रैक्टिकल दिखाने वाला। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मनजीत सिंह और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल पे डिजिटल मनजीत पे। तो चलिए सबसे पहले तो हम वेबसाइट की बात करते हैं। तो वेबसाइट हम सभी को पता है एक ऐसा डोमेन रजिस्टर करते हैं जो कि आपका वर्चुअल होता है, और उसके ऊपर हम अपने जितने भी कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं या सर्विसेज होती हैं वो सब अपलोड कर देते हैं। उसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं हम सब डाल देते हैं, इंक्लूडिंग हमारी इंक्वायरी फॉर्म्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यानी कि एक वेबसाइट के अंदर हम मल्टीपल पेजेस जो हैं वो क्रिएट कर देते हैं, और ऐसे में हमारा पूरे कंपनी का एक तरीका ऑनलाइन शोरूम कह सकते हैं हम इसको, राइट? तो यहां पर जो है आप वेबसाइट अगर इतनी अच्छे से डिजाइन करी जाती हैं, तो फिर हमें लैंडिंग पेज की क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी? तो पहले हम वेबसाइट की बात कर रहे हैं तो इसी को कंप्लीट करते हैं। तो वेबसाइट के अंदर सपोज कर लो कि आप अपने किसी भी एक्स वाई जेड प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो सोशल मीडिया के जरिए, एड के जरिए, तो जितना भी ट्रैफिक आपका आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो वो पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट के पेज के ऊपर तो आ गया जो आपने शेयर किया, जहां पे आपने टारगेट रखा है। लेकिन क्योंकि वो पेज जो है वो आपकी वेबसाइट का ही एक पेज है, तो ऐसे में जो ऑडियंस जो आपके वेबसाइट पे आ रही है, उस पेज पे लैंड कर रही है, सो उनका जो है एक डिस्ट्रैक्शन पॉइंट होता है। और वो डिस्ट्रैक्शन पॉइंट क्या है कि क्योंकि वो वेबसाइट का लैंडिंग पेज है, तो वेबसाइट का एक पेज है नॉट लैंडिंग पेज, तो ऐसे में उनको मल्टीपल अदर प्रोडक्ट्स जो है वो दिखते हैं, तो ऐसे में वो पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट को छोड़ के बाकी प्रोडक्ट्स को भी देखना स्टार्ट कर देते हैं, और ऐसे में जो है कई बार वो डिसीजन ले पाते हैं और कई बार वो डिसीजन नहीं ले पाते, बिकॉज अब जो है उनके माइंड के अंदर कोई दूसरे प्रोडक्ट्स आपकी वेबसाइट पे देख के यहाँ पे एक उनका जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं वेरी करने लग जाता है, तो उनको ये डिसीजन लेने में टाइम लगता है कि उनको कौन सा प्रोडक्ट बाय करना है, राइट? तो ऐसे ही ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जब हम एडवर्टाइज करके ट्रैफिक लेके आते हैं, तो उसके जो रिजल्ट हैं, उसका जो कन्वर्जन रेशियो है वो हमें बहुत ही लिमिटेड मिल पाता है। लेकिन अगर हम बात करें लैंडिंग पेज की, तो लैंडिंग पेज बेसिकली एक ऐसा सिंगल पेज होता है जिसके ऊपर आप कोई भी डिस्ट्रैक्शन पॉइंट नहीं डालते हैं। सो बेसिकली अगर आपके पास से फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड एक प्रोडक्ट है, तो उस लैंडिंग पेज के ऊपर आप जो है उसी एक्स वाई जेड प्रोडक्ट के बारे में इमेजेस, उसके बेनिफिट्स, उसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो सारी चीजें आप वहां पर शेयर कर देते हैं एक सिंगल पेज के ऊपर। अब क्योंकि ये एक सिंगल पेज है, वहां पर कोई भी नेविगेशन नहीं है, सो यहां पर अगर कोई भी यूजर, कोई भी ट्राफिक आपके पास आके इस पेज पे लैंड करता है, तो ऐसे में उनका कोई भी डिस्ट्रैक्शन पॉइंट नहीं बन पाता, तो उनका जो डिसीजन है वो डेफिनेटली एक ही, उनका जो फोकस रह जाता है वो पर्टिकुलर एक ही प्रोडक्ट के बारे में होता है। और उस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से रिसर्च करके जो भी एक अच्छे बेनिफिट्स हैं या उसके जो भी ड्रॉबैक्स वगैरह हैं, हम जितना क्रिस्टल क्लियर डाल सकते हैं वो हम डाल देते हैं, और उसी के ऊपर उस कंप्लीट पेज के ऊपर में थोड़ी थोड़ी देर, अगर बहुत ज्यादा लंबा पेज हम डिजाइन कर रहे हैं लैंडिंग वाला, तो हम क्या करते हैं एक स्पेसिफिक फ्रेम के बाद में एक कॉल टू एक्शन का जो है बटन डाल देते हैं। सो बेसिकली एक कॉल टू एक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर कोई उस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पे आया है तो उसको उस लैंडिंग पेज के ऊपर जो प्रोडक्ट आपने जो डिटेल्स शेयर करी है वो अगर पसंद आई है,
तो डेफिनेटली वो उसको बाय करना चाहेगा। तो ऐसे में अगर वो बाय करना चाहता है तो कॉल टू एक्शन का बटन तो होना चाहिए। अगर कॉल टू एक्शन का बटन नहीं होगा तो आपका किसी भी तरह का एक्शन नहीं हो पाएगा। और इसी में वो एक सिंगल कॉल टू एक्शन का बटन होने की वजह से तो मैक्सिमम हमें जो है रिजल्ट इससे मिलते हैं। तो अब अगर हम इस पेज के लिए कोई भी आपको जो है एडवर्टाइज करते हैं या आप सोशल मीडिया वगैरह या किसी भी एसईओ के द्वारा अगर हम यहां पे जो है उसकी मार्केटिंग करते हैं तो ऐसे में तो यहां पर कॉल टू एक्शन के लिए एक सिंगल पॉइंट है जिसके ऊपर में एक्ट किया जा सकता है और इसी वजह से हमें यहां पे मैक्सिमम कन्वर्जन जो है वो देखने को मिलते हैं। ये मैं सिर्फ आप लोगों को बताऊंगा नहीं, अभी जो है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाता भी हूं। पहले मेरा लैंडिंग पेज, नाउ यू कैन सी ये जो है मैंने एक लैंडिंग पेज डिजाइन किया 5 से 6 दिन पहले। अब इस लैंडिंग पेज के रिजल्ट आप लोगों को दिखाता हूं। अब जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हैं इसके रिजल्ट। तो यू कैन सी अब एक लैंडिंग पेज जो है वो कितना हाई कन्वर्जन रेट जो है वो आपके लिए जनरेट कर सकता है। सो गाइज, इस तरह के लैंडिंग पेज जो है बनाने बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस को टारगेट करके मैक्सिमम कन्वर्जन करना चाहते हैं। और ऐसे में ऐसे लैंडिंग पेज को हम डिजाइन कैसे करें, किन किन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सो बेसिकली मैं आप लोगों को कुछ फ्री कोडिंग्स प्रोवाइड करूंगा और नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर जो है इसको कैसे डिजाइन कर सकते हैं वो पूरा प्रैक्टिकल डिजाइन करके दिखाऊंगा आपको कोडिंग के द्वारा। और उसी कोडिंग के जरिए आप भी अपने लैंडिंग पेज जो अगर डिजाइन करना चाहते हैं उसके अंदर कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप कस्टमाइज करके जो है उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप कि आज का जो हमारा ये वीडियो था जो मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करी है बिटवीन वेबसाइट वर्सेस लैंडिंग पेज, तो किसमें कितना ज्यादा कन्वर्जन होता है और मैक्सिमम कन्वर्जन के पीछे एक जो साइंटिफिक रीजन है, यू कैन से जो प्रैक्टिकल उसके पीछे एक रीजन है वो क्या है, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है। आई होप कि ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने पहली बार ये चैनल विजिट किया है तो नीचे साइड पे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो गाइज, आई होप कि ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, गुड बाय।